पिछड़ गया, उदो है नहीं सन। उदो फिर पुराने जमाने के लोग सच ते झूठ की पछाण कराने लई उन्हां दोहां नूं लै के फिर जांदे सन गलियां बाजारां विच ते फेर के शहर विच कहिंदे सन देखो आ झूठ जे आ सच जे। पंचायत दे फैसले हुंदे सन, झगड़ा तो होया ना सच ते झूठ दा, पर निबड़िया किवें? सतगुरु ने बाणी विच वी आखिया बाणी अंदर हर एक चीज मिलती है। कहन लगे मनमुख गणित गणाए, गणित गणाए का मतलब होता है साजिश ना, बकायदा सोच समझ के तरकीब बना के। मनमुख गणित गणाए झगड़ा पाए, मनमुख गणित गणाए झगड़ा पा, सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया। है गुरबानी है, सतगुरु आख रहे थे मनमुख गणित गणाए झगड़ा पाया, सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया। सतगुरु झगड़े किवें निबेटदा? इसलिए क्योंकि सच्चा आप तखत सच्चा बह सच्चा करे न्याउ। लो झगड़े दे नबेड़न दी आस उत्थे रखी जा सकती है। हुण तुहाडे सामने मैं दूजे पक्ष वाल आना चाहना। झगड़े संसार अंदर रहिंदे ने, सच ते झूठ दे रहिंदे ने ते निबड़दे भी ने, इहदे विच भी कोई दो राय नहीं, पर तां निबड़दे ने जे नवेड़न वाले न्यूट्रल ते न्या दे पालक होन। हुण तुहाडे सामने मैं दूजा पक्ष लैणा चाहना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी बाणी दे अमृत ते विचित्र नाटक दीआं कहानियां दे जहर पॉइजन आपां दो दो समय तो विचार रहे हां ते ओह तुहाडे सामने स्पष्ट रूप में यह नहीं कि मैं अपनी जबानों रखी हूं, तत्था समेत ग्रंथा समेत पेश कीतियां ने सद्दा दिता है ओपन भी जिन्हों कोई शक होवे वह इत्थे आ जाए तो मैं उनके सामने ग्रंथ रख देना, वह आप पढ़ के सुना देवे, मैं कोई इतराज नहीं। पहुंच गया, हुण देखना न्याय। हुण सोचियो अज झगड़ा जिहड़ा है उन्होंने सामने पेश हो रहा है जिहड़े आप पंजां विच्चों चार जिहड़े ने वह दसम ग्रंथी ने। देखो फैसला किवें होवे, जब इंसाफ करने वाला फैसला करने वाला ही एक तेरे होवे उदों इंसाफ किवें मिल सकता है? तुहानूं पता है भी दो तख्तां दे जथेदार तां प्रकाश करके बैठे ने, वह कहिंदे ने दिन रात कलियां खड़कांदे ने, दरबार बराबर प्रकाश करदे ने, भंग दे भोग लवाउंदे ने, वो आपां देख रहे हैं पटना साहब ते हजूर साहब। अज भी चले जाओ मेरे वालों कोई मना नहीं, जाके देख सकते हो भी वो सब कुछ हो रहा है कि नहीं, जो नहीं होना चाहिए। इत्थे न्याय दी मसनत ते भी वो बैठे ने, दो तख्तों ने जिहड़े आप प्रकाश कीती बैठे ने, इसलिए वो न्याय दा फैसला किवें करनगे? ते बाकी उन्हां विच्चों एक दमदमा साहब वाला छड़ के जिहड़ा नहीं गया, बाकी दो जिहड़े ने अपनी जबानों मानता दे रहे ने। जिहड़ा मेन तखत ते बैठा वीर है, मैनू कोई मनंदरे नहीं कि किसी तो व्यक्तिगत नफरत है। बड़ी खूबसूरत गल सरदार मलकीत सिंह जी ने आखी सी, वो ये कि सतगुरु के श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के कंसैप्ट मुताबिक कोई फैसला हो सिर झुकावे हूं भी कहना, पर गुरमत के विरुद्ध फैसले नू कभी संसार अंदर सिख ने भी नहीं मनिया। कल ही एग्जाम्पल दे रहे सन कि अरूर सिंह ने सिरोपाओ दिता डायर, कि संसार ने सिख संसार ने मान्यता दे दी। अज
60 साल के करीब हो गया, 60 उत्ते हो गया, अजे तक उस फैसले नूं मान्यता नहीं मिल सकी। न्याय के फैसले के सामने सिर झुकाना, झूठ के फैसले के सामने सिर झुकाना, यह भी अपनी थवें पाप है। हुण दो तख्तां ते ओ बैठे ने जिहड़े आप दसम ग्रंथ का प्रकाश की बैठे ने, वो तुहानूं किवें आखणगे इस इहदे विच न्याय मिले, इंसाफ मिले। बाकी दो ने मैं आप जी के सामने उन्हां दे जबान तो कहे हुए लफज रख सकना, उन्हां दी आवाज विच उन्हां दे शरीरक चेहरे नूं उस वीडियो टेप विच देख सकदे हो। एक आखदा है, साबित करदा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा है वह दसम ग्रंथ बिना अधूरा है। उनके लफज ने कि दसम ग्रंथ जिहड़ा है